जय हिंद दोस्तों, दिस साइड संदीप सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और भाइयों, ये हमारी जर्नी का थर्ड पार्ट है। और जिस भी भाई ने पिछले दो व्लॉग नहीं देखे तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, भाई हम वैसे सफ़र कर रहे हैं भाई न्यू दिल्ली से अमृतसर तक, अमृतसर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि 1:50 पे हमने दिल्ली से पकड़ी थी। और इस बार हम कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया भी था पहले वाले व्लॉग में कि जब हम दिल्ली में सफ़र करेंगे तो भाई मैं हिंदी में बोलूंगा। आपको वैसे पता ही है कि जो मेरे सारे के सारे व्लॉग होते हैं वो हिंदी में होते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग से ट्राई करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग सा भी हो। तो मैंने यही सोचा था कि जब हमारी ट्रेन हरियाणा में सफ़र करेगी तो भाई मैं हरियाणवी बोलूँगा, और जब हमारी ट्रेन पंजाब में एंटर होगी और पंजाब में सफ़र करेगी तो मैं पंजाबी बोलूँगा। तो पिछले दो व्लॉग में आपने देखा कि हमने दिल्ली का भी सफ़र किया और फिर सोनीपत से लेके अंबाला तक का भी सफ़र किया हरियाणा में, और वो मैंने हरियाणवी में ही अपना उसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दी। और जो आज की अपनी जर्नी है वो है भाई अंबाला से लेके पूरी अमृतसर तक, जो कि पूरा पंजाब का पार्ट है। और भाई मैं इसको पूरी पंजाबी लैंग्वेज में बोलूँगा, अगर भाई मेरे से कोई गलती भी हो जाए, क्योंकि मेरी मेन लैंग्वेज पंजाबी नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ, तो भाई माफ़ भी कर देना। और पिछले व्लॉग में मैंने हरियाणवी बोली है, अगर भाई उसमें भी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो वो भी भाई माफ़ी कर देना, क्योंकि कई बार हो जाता है यार, इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन कुछ इंसान होते हैं कि एक छोटी सी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, कोई प्रोनाउंस को लेके, कोई कुछ को। तो भाई कुछ एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा हूं, किसी को कुछ बुरा नहीं कर रहा, ना किसी को बुरा बोल रहा, एटलीस्ट अपनी जो, क्योंकि यार मैं हूं यहां का, हरियाणा पंजाब भाई ये मेरे होम है, तो भाई ठीक है मैं ट्राई कर रहा हूँ, छोटी मोटी गलती हो जाती है उसके लिए माफी। चलो ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ से करते अपनी जर्नी स्टार्ट। और अब आगे मैं पूरी की पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पंजाबी में दूंगा। सब तो पहला था सारे वीरानू सत श्री अकाल, और ऐसी पहुंच रहे हैं अंबाला जंक्शन। और एक गल और, मैं हर वीडियो विच बोलता हैगा कि मेरे चैनल ते कोई भी गंदगीबाजी, कोई भी गाली गलोज नहीं विखूगा, इवन तुसी अपनी फैमिली दे बच्चों दे नाल भी मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैगे। तो यार अपने भाई दे चैनल नू सपोर्ट करो। और मैं हर बार बोलता कि अपने हरियाणा और पंजाब वाले अगर तुसी नहीं करोगे तो बाहर दा कौन करेगा। वही कहते हैं ना, जदू घर वाले सपोर्ट करोगे ताई बार वाले सपोर्ट करोगे। तो यार अपने भाई दे चैनल नू सपोर्ट करो सारे वीर। लो भाई फाइनली असी पहुंच गए हैगे अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। ते सब तो चंगी गल मैनू के लगती इस स्टेशन दी, जो इधर दा बस स्टैंड हैगा और इधर दा रेलवे स्टेशन बिल्कुल आमने सामने हैगा, तो तुहानू कोई टैक्सी कोई रिक्शा करन दी जरूरत नहीं, तुसी जस्ट एग्जिट होंदे ही पहुंच जाओगे इधर दे बस स्टैंड दे उत्थे। फाइनल पहुंच गए भाई अंबाला कैंट, और इसके बाद आएगा भाई अंबाला सिटी, और उसके बाद फिर हम पंजाब में एंटर हो जाएंगे। और हार्डली ये लगा लो 15 से 20 मिनट बिफोर ही पहुंच गई हमारी ट्रेन, और अभी थोड़ी देर देखते हैं अभी कितनी देर में और पहुंच जाएगा। लो भाई, और ये आज दी साड़ी ट्रेन जिदे विच लगे हुए है LHB कोच। तुहानू पता ही है कि LHB कोच कंफर्टेबल भी होंगे है, ज़्यादा सेफ भी है। लो भाई, ते साड़ी ट्रेन नू भी मिल गया इधर तो डिपाचर सिग्नल, और साड़ी ट्रेन ने भी दे दिता होरन, ते असी हुण अंबाला कैंट तो निकलते पए है।
और जो साड़ी ट्रेन दा इधर तू डिपार्चर टाइम है, चलन दा टाइम है इधर तू, वो है इवनिंग नू 5:05। हुणी तुसी वेख्या कितने फुद्दू लोग रहिंदे हैगे साडे विच कि हुणी ट्रेन प्लेटफॉर्म दे उत्ते ही खड़ी है ते कुछ लोग अपना लोक लगा के अंदर बह गए, उन्हां नू ए नहीं पता हुणी भी कुछ लोग बाहर खड़े हैगे। पता नहीं की होगा यार साडी कंट्री दा। नहीं नहीं हाँ मेरा वही आगे ध्यान है, एक्चुअली मेरा वो लोग का यही काम है मैं डेली। थैंक यू वैसे। और इधर कुछ मैनू वीर बोल रहे हैगे कि तुहाडे फोन का ख्याल रखो, कोई तुहानू स्नैच कर लेगा। तो मैं उन्हें यही समझा रहा सी कि भाई मेरा जो भी डेली का काम है व्लॉग बनाना, तो मैं बड़ा केयरफुल रहिंदा हैगा कि कोई फोन स्नैच ना कर ले। इवन दिल्ली दे विच तां मैं व्लॉग ही नहीं बनांदा, बड़ा कम बनांदा हैगा। ਗੜਾ ਬਈ ਵੈਬ 7 6000 HP। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਈ 6000 HP ਦਾ ਵੈਬ 7 ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇਤਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ 24 ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 140 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦਾ। यहाँ से जो राइट है वो लाइन निकल जाती है वही चंडीगढ़ की तरफ और कालका की तरफ। जिवें असी अंबालकंठ तो निकलते हैगे, इवें एक राइट ट्रैक है वो चला जाता हैगा चंडीगढ़ ते कालका वल्लों। और अभी दिखाते आपको पूरे इंडिया का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव वैग 12 12000 HP का। ये नहीं है भाई, ये तो मशीन है। और एक भी नहीं भाई, दो दो खड़े हैं वैक्स वैल्यू। ये पूरी बड़ी मालगाड़ी वो 120 की स्पीड से खींच सकते हैं भाई, पावरफुल भी है और स्पीड भी है। ये जो तुसी होने ब्लू कलर का लोकोमोटिव वेख रहे हैगे, ये पूरे इंडिया का सब तो पावरफुल लोकोमोटिव हैगा। ये है वैग 12 12000 HP का लोकोमोटिव। ये पूरी मालगाड़ी नू 120 की स्पीड तो खींच सकता हैगा। Thank you.
लो भाई और ये असी पहुँच रहे हैं अंबाला सिटी दे रेलवे स्टेशन दे उत्ते और इधर साड़ी ट्रेन तो दो दो ट्रेन क्रॉस करवाई जाऊगी और जो नई सर्विस चालू हुई आएगी दिल्ली अमृतसर न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस वो भी विखाओगे वो क्रॉस करोगी इतने लो भाई फाइनली अंबाला सिटी से निकल रहे हैं और यहाँ पे 20-25 मिनट हो गए थे खड़े हुए क्योंकि अभी दो ट्रेन निकल दी गई है, एक तो वंदे भारत एक और पता नहीं, तो अच्छी वाली टाइम हमारे ट्रेन ने कवर कर लिया था अंबाला कैंट तक और अंबाला सिटी आते आते फिर से 20-25 मिनट लेट हो गई है। तो आगे देखते हैं, अगर फोग नहीं हुई तो ये टाइम भी रिकवर हो जाएगा वरना फिर ट्रेन लेट पे लेट होती चली जाती है। आपको पता है इंडिया रेलवे सिस्टम का कि एक बार जो ट्रेन लेट हो जाए तो उसको लेट करते जाते हैं। और अभी आगे आएगा राजपुरा और अभी जस्ट थोड़ी देर में जो पंजाब है वो स्टार्ट हो जाएगा। चलो जब अपना आगे राजपुरा आते हैं तब आपको दिखाते हैं। वैसे भी आप पारते ही पा रहे हैं कि अपना स्टार्ट हो गया है, जो भी सनलाइट तो बिल्कुल वैसे भी नहीं निकल रही थी और अभी तो वैसे भी अंधेरा होना ही स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर का देखते अभी लाइट कितनी देर रहती है। ये जो तुसी लेफ्ट साइड नू एक और न्यू ट्रैक वेख रहे हैगे ये है भाई EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर। ये स्टार्ट होंदा हैगा लुधियाना तो ते कलकत्ता दे विच जाके खत्म होंदा हैगा। तो इहदे उत्ते सिर्फ जो गुड ट्रेन हैगी ओही चलूगी, अपना जो पैसेंजर ट्रेन है वो अलाउड ही नहीं हैगी इस ट्रैक दे उत्ते।
लो बई हुण थोड़ी देर दे विच असी पहुँच रहे हैगे राजपुरा जंक्शन ते हुण तुसी स्पीड देख सकते हैगे साडे ड्राइवर ने पूरी स्पीड खींच रखी हैगी साडी ट्रेन दी 128-30 चलती पई है। लो बई फाइनली असी हुण पहुँच रहे हैगे राजपुरा जंक्शन ते तुसी हुण वेख रहे हैगे बार पूरा अंधेरा हो गया हैगा लेकिन बई तुहाडा भाई पूरी ट्राई करूगा तुहानू पूरी जर्नी विखाउण दी। फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं राजपुरा आधे घंटे की देरी से और अभी आप देख पा रहे हैं कि फोग होना भी स्टार्ट हो गया भाई गंदे वाली। और अभी जो पटियाला वाली लाइन है अभी आपको वो भी दिखाते हैं यहीं से अलग होती है पटियाला और धूरी वाली। करते करते भाई आधे घंटा लेट करवा दिया हमारी ट्रेन को। देखते अभी कितनी देर में यहाँ से चलाएंगे। लो वीरो 2 मिनट दे स्टॉप ते बाद हुण असी निकल रहे आएंगे राजपुरा जंक्शन तो और जो साड़ी ट्रेन दा इधर तो डिपाचर टाइम हैगा वो हैगा 5:56। किसी ने भाई चेन पुलिंग कर दी तभी वो रेड हो गया वहां पे लो भाई किसी ने कर दी चेन पुलिंग। लो भाई जद्दू साड़ी ट्रेन राजपुरा जंक्शन तो निकली किसी फद्दू बंदे ने चैन पुलिंग करती साड़ी ट्रेन पहली आधा घंटा लेट हो चुकी सी ते हुण 15-20 मिनट और लेट हो गई। तो तुहानू इंडियन रेलवे का सिस्टम पता ही हैगा एक बार जो ट्रेन लेट हो जाती हैगी तो उन्हों बार बार ट्रेन नू लेट ही किया जाता हैगा आगे।
ये जो लैफ्ट वाला ट्रैक है ये चला जाता है पटियाला धूरी ते बठिंडा वालों। लो वीरो और ये असी पहुँच रहे हैंगे सरिन जंक्शन ते तुसी वेख ही सकते हैंगे बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है ते मैं और भी काफ़ी सारी वीडियो लीती सी रास्ते दे विच दी लेकिन वो क्लीयर नहीं आती ते मैं सोचा कि हुण तुहानू जो भी स्टेशन आऊगा उस दी सिर्फ अराइवल ते डिपार्चर और पूरी इनफॉर्मेशन देऊंगा। भाई एक घंटे की देरी से पहुंच गया भाई सरिन जंक्शन। देखते हैं अभी हमारी ट्रेन कितना टाइम रिकवर करती है, बाकी चांस तो कम ही लग रहे हैं। आधा पौना घंटा हो जाए लास्ट में। बाकी तो भाई गंदे वाली ठंड हो गई, स्टार्ट हो गया भाई। अब तो ऐसे डोर पे ऐसे हो रहा है कि हाथ छूटने पड़े, इतनी गंदी ठंड भाई। लेकिन भाई आपका भाई आपके लिए भाई सारे स्टेशन कवर करेगा, एक भी नहीं छोड़ेगा। अभी आपको वो लाइन भी दिखाते हैं जो मोरिंडा की तरफ निकल जाती है, सरिन जंक्शन तभी बोलते हैं इसको। लो भाई 2 मिनट दे स्टॉप दे बाद सानू भी मिल गया इधर तो डिपार्चर सिग्नल। ते साड़ी ट्रेन दा सरिन जंक्शन तो डिपार्चर टाइम है वो हैगा 6:19 और साड़ी ट्रेन ऑलरेडी सरिन तक 1 घंटा लेट हो चुकी हैगी।
ਲਓ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਨ ਸਟੋਪ ਜਾਊਗੀ ਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੇ मेन गुरुद्वारा तो अभी जा ही रहा हूँ गोल्डन टेम्पल तो हाँ नहीं वैसे अच्छा कोई जाते हुए उसको कवर करूँगा फिर याद रखिएगा इस साइड अच्छा इस हाँ जी हाँ जी हम आगे ध्यान रखें गाड़ी स्लो भी हो हाँ जी हाँ जी हाँ जैसे आउटर पे एंटर से पहले अच्छा मेन गुरुद्वारा ये लुधियाना हाँ ओके ओके हाँ जी ये लाइन आती है भाई आपकी दूरी और हिसार से ये जो तुसी लेफ्ट वाला ट्रैक देख पा रहे आगे ये आंदा है पीछे भाई आपका दूरी जंक्शन जाखल जंक्शन ते हिसार वल्लो हे हुण पहुँच रहे आगे लुधियाना जंक्शन ते एक बड़े वीर सी जो साढ़े नाल ही दिल्ली तो आ रहे सी तो वह कह रहे सी जिवें असी लुधियाना जंक्शन पहुँचते हैगे जस्ट उस तो पहले एक बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा आंदा हैगा तो मेरे तो मिस हो गया ते जदू मैं नैक्सट टाइम आऊँगा इस रूट के उत्ते तो तुहानू पक्का भी खाएगा तुहाडा वीर ऐ गुरुद्वारा ये बने भाई WDM3 है 3100 हॉर्स पावर के एल्को लोकोमोटिव जल्दी रिटायर हो जाएंगे भाई इंडियन रेलवे से ये ये जो तुसी वेख रहे हैगे लोकोमोटिव ये है भाई WDM3 है 3100 हॉर्स पावर दे एल्को लोकोमोटिव भाई मैनू तो इन्हां दी आवाज़ इतनी चंगी लगती हैगी मैं बता नहीं सकता लेकिन यह बहुत जल्द साड़ी इंडियन रेलवे तो रिटायर होने वाले हैगे पहुंच गया भाई लुधियाना जंक्शन लो भाई और 5 मिनट के स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन का भी हो गया वैसे तो यहाँ पे 10 मिनट का टाइम है लेकिन हमारी ट्रेन आपको पता ऑलरेडी लेट है 1.25 घंटा तो इसलिए 5 मिनट के बाद ही डिपार्चर सिग्नल मिल गया है बस चलने के लिए रेडी अभी लो भाई 5 मिनट के स्टॉप के बाद असी भी निकल रहे हैं लुधियाना जंक्शन तो और जो साड़ी ट्रेन का इधर तो डिपार्चर टाइम हैगा वो हैगा 7:35 तो हूँ तो वैसे साड़ी ट्रेन का इधर 10 मिनट का स्टॉप होंदा हैगा लेकिन तुहानू पता है साड़ी ट्रेन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है तो 5 मिनट के बाद ही सानू डिपार्चर सिग्नल मिल गया प्रॉब्लम है पता नहीं है काफ़ी सारी ट्रेनें पड़ी है हाँ अब हो गया भाई हमारा
लो भाई फाइनली ये खड़ी है जम्मू तिरुपति सिकंदराबाद, जम्मू तिरुपति वाले भाई। और फिलौर आएगा, फिर एक और आएगा बीच में, उसके बाद जलंधर, फिर ब्यास और फिर अमृतसर। ये कुछ साउथ के बच्चे हैं, ये हमारे साथ ही दिल्ली से आए हैं भाई, कोई इनका गेम वगैरह होगा यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, धीरे पहले ही कर लूंगा अंदर, थैंक यू। भैया आजकल स्टेशनों पे आपको पता है स्नैचिंग की इतनी घटाएं होते हैं, तो सब जगह वार्न कर दिया जाता है भाई, इन सीढ़ियों ने बुरा हाल किया हुआ है। हेलो, लो वीरो हुणी थोड़ी देर दे विच असीं पहुँच रहे हैगे जो सतलुज रिवर है उसनू क्रॉस करोगे, जिहदे उत्थे बाखड़ा ते नंगल डैम बनाया होया है। और ये असं पहुँच गए है फिलौर जंक्शन, तो साड़ी ट्रेन का इधर तो डिपाचर टाइम है वो हैगा 7:51। लो भाई और 2 मिनट के स्टॉप के बाद असी हुण निकल रहे हैगे फिलौर जंक्शन तो, और जो साडा नैक्सट स्टेशन आऊगा वो आऊगा भाई फगवाड़ा जंक्शन।
स्कूटर पे ही खड़े थे तब। हाँ बहुत ज्यादा बुरा हाल है, और अभी तो फगवाड़ा से निकलने के बाद आगे और बढ़ती जाएगी। भाई आप देख ही पा रहे हैं कि जैसे जैसे रात हो रही है और फोग देख ही पा रहे हैं कि कितनी बढ़ती जा रही है। और जैसे हम थोड़ा सिटी से बाहर निकलेंगे आई थिंक तो जलंधर और ब्यास के आसपास इतनी गंदे वाली फोग होने वाली है। चलो भाई अभी क्या कर सकते हैं। ये भैया भाई क्या नाम भैया आपका? अंकुर। अंकुर ले भैया, भैया हमारे साथ दिल्ली सफर करते काफी अच्छा लगा भैया आपके साथ सफर करके। और ऐसे ऐसे भैया साथ हो तो सफर करने का मजा ही अलग होता है। लो भाई देखते हैं अभी फगवाड़ा से कितनी देर में निकालते हैं, या पीछे पीछे शताब्दी आ रही है उसको ना क्रॉस करवा दे। लो भाई और 2 मिनट के स्टॉप के बाद असि हूँ निकलन लग रहे है फगवाड़ा जंक्शन तू। और जो साड़ी ट्रेन का इधर तो डिपार्चर टाइम हैगा वो हैगा 8:11 ते हूँ ए बाद साड़ी ट्रेन रुकूगी सीधा जलंधर जंक्शन। लो भाई और असी हुण पहुँच रहे हैं जलंधर सिटी दे रेलवे स्टेशन। और जो ट्रैक इधर तो पठानकोट ते जम्मू वालों जाता हैगा वो पिछे जलंधर कैंट दे रेलवे स्टेशन तो अलग हो जाता हैगा। लो भाई और फाइनली असि निकल रहे हैं
जलंधर सिटी तो। और असी हुण क्रॉस कर रहे हैगे ब्यास रिवर, और जस्ट ब्यास रिवर दे क्रॉस करते ही आजूगा ब्यास रेलवे स्टेशन। और आपका ब्यास का पता ही होगा कि इधर राधा स्वामी सत्संग ब्यास है, उसका बहुत बड़ा डेरा है इधर। लो भाई, और फाइनली असी हुण पहुँच गए हैगे ब्यास, ते 2 मिनट दे स्टॉप दे बाद हुण साडी ट्रेन दा भी इधर तो हो गया डिपार्चर टाइम। और जो साडी ट्रेन दा इधर तो डिपार्चर टाइम हैगा वो हैगा 9:22, और इधर बाद साडी ट्रेन सीधा अमृतसर जंक्शन रुकूगी, बीच में और इदा कोई स्टॉप नहीं हैगा। लो भाई, और फाइनली असी पहुँच गए हैगे अमृतसर जंक्शन, ते इधर तो बस उतरन लग गए हैगे। और भाई आई होप तुहानू ये पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी,
और जो ये नया कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छा लगा होगा। और भाई एक गल और, अगर कोई मेरे तो गलती हो गई हो तो उस दे लिए भाई माफ़ी, क्योंकि ये मेरी मेन लैंग्वेज नहीं हैगी। वैसे मैनू पंजाबी लैंग्वेज तो समझ तो अच्छी नाल आ जाती हैगी, लेकिन थोड़ी जी दिक्कत है वो बोलन ले ही है, क्योंकि पहले तो मैनू चंगी नाल बोलने भी आती सी, लेकिन हुण आदत छुट गई तो हुण थोड़ी सी कम हो गई हैगी। चलो ठीक है मेरे भाईयो, आई होप आपको ये जर्नी अच्छी लगी हो। चलो ठीक है मेरे भाइयों, मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। और भाई जिस भी भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब भी करो, और भाई अपने भाई के चैनल को यार सपोर्ट भी करो, खासतौर पर अपने हरियाणा पंजाब हिमाचल वाले भाई। वो कहते हैं ना भाई, आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो बाहर का कौन करेगा, आप तो भाई घर के हो। और दूसरी बात भाई, मैंने पिछले व्लॉग में भी एक चीज़ बोली थी कि भाई मैं बहुत जल्द एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ कश्मीर टू कन्याकुमारी रोडवेज बसीज में। उसमें भाई आपको ही पता है कि जैसे आप घर से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस भी लगते हैं। वैसे आपके भाई के चैनल को 1.5 साल हो गया भाई, मैंने फर्स्ट टाइम मैं कभी अपनी जो YouTube फैमिली है उससे हेल्प मांग रहा हूँ। आज तक मैंने कभी 1 रुपये की किसी से हेल्प नहीं मांगी। और भाई मैं अभी थोड़े से दूर की जर्नी भी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अब तक जो भी मेरी जर्नी होती थी वो आसपास की होती थी, तो उसमें मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब दूर की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं तो भाई उसमें थोड़ा सा टाइम आपके भाई को आपकी जरूरत भी पड़ेगी, 2-3 महीने जितना भी आपसे बने, 100, 200, 500। तो ये एक नंबर से हो रहा होगा आपको, फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम, जो भी आपकी इच्छा वो आप कर सकते हैं। चलो ठीक है मेरे भाइयों, मिलते हैं बहुत जल्द आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल सारे भाइयों को। और कल वाले व्लॉग में आपको गोल्डन टेम्पल दिखाए गए,